नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के बजट की। जैसा कि हर एक घर में बजट बनता है, उसमें घर की क्या इनकम है और घर के क्या एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई किसी घर में इनकम जो होती है वो 10,000 रुपये की होती है, और अगर उसके एक्सपेंडिचर 8,000 रुपये के होते हैं, यानी कि खर्चे 8,000 रुपये के होते हैं, तो 2,000 रुपये की बचत होती है। ऐसे ही अगर उसके खर्चे 8,000 की जगह 12,000 हो जाएं, तो यानी कि 2,000 रुपये उसको कम पड़ने लगेंगे। तो उस 2,000 रुपये की कमी के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, उधार पैसे लेने पड़ेंगे। ऐसा ही दोस्तों भारत का भी बजट होता है, देश का भी बजट होता है। तो देश के बजट में जो ई इनकम होती है, उसमें से अगर एक्सपेंस अगर ज़्यादा होते हैं तो भारत सरकार को भी लोन लेना पड़ता है। और अगर पैसे बच रहे हों, मतलब कि इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, तो फिर इनकम जो भी एक्स्ट्रा होती है उसको सेविंग कहते हैं, यानी कि पैसे बचे होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि भारत सरकार का बजट कैसे बनता है और भारत सरकार की कमाई कहां कहां से होती है और खर्चे कहां कहां पर होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार जो पैसे कमाती है, मेनली वो टैक्स से पैसा कमाती है। और अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के टैक्सेस हैं। और कुछ इनकम उनकी होती है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, जिसमें मतलब टैक्स से नहीं पैसा कमाती, वो दूसरे सोर्सेज होते हैं। तो आपको बता दें कि दोस्तों मान लीजिए कि भारत सरकार ने 100 रुपये किसी साल में कमाए, तो उस 100 रुपये में वो इनकम टैक्स का हिस्सा जो होता है वो 15 रुपये का होता है। और कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो वो करीब 15 रुपये का हिस्सा वो भी होता है। और GST की बात करें तो करीब GST 17 रुपये के आसपास का हिस्सा होता है। और कस्टम ड्यूटी की बात करें तो वो 4 रुपये का हिस्सा होता है। और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो वो 7 रुपये का हिस्सा होता है। अगर इन सबको मिला दें तो 58 बन जाता है। और इसी के साथ अगर नॉन टैक्स रिवेन्यू को देखें तो वो करीब 6 रुपये बनता है, यानी कि 64 रुपये भारत सरकार की ये इनकम होती है। और जो 36 रुपये की कमी हुई, वो 36 रुपये भारत सरकार लोन के रूप में लेती है। अब ये लोन दो तरीके का हो सकता है, एक इंटरनल लोन और एक एक्सटर्नल लोन। इंटरनल लोन वो होता है जो भारत सरकार देश के अंदर ही लोन लेती है, वो लोन डेट पब्लिक को भी पब्लिक से भी ले सकती है और वो कॉरपोरेट जगत से भी ले सकती है। ये हो गया इंटरनल लोन। और एक्सटर्नल लोन की अगर बात करें तो वो विदेशों से जो उधार लिया जाता है उसकी बात होती है। और अगर बात हम करें 2022-23 में, तो भारत सरकार ने जो लोन लिया है वो 14.21 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करी है। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत ने कर्जा लिया है इकॉनमी को रन करने के लिए। अब दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि आखिर इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स वो होता है जो किसी भी व्यक्ति के इनकम पर लगाया जाने वाला टैक्स है। और इंडिया में जो टैक्स लगता है इनकम का, वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगता है, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उस पर उतना ज़्यादा टैक्स। दूसरा नंबर आता है कॉरपोरेट टैक्स का। कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है कि कंपनी, जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स होता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। और तीसरे नंबर पे आता है GST। GST वो टैक्स है जो सभी लोग देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, मतलब एक साधारण घर परिवार का व्यक्ति, या कोई कंपनी, सभी लोग इस पर टैक्स देते हैं। इसी ये GST इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर कस्टम की बात करें तो कस्टम ड्यूटी वो टैक्स होता है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। ऐसा ही अगर बात करें एक्साइज की, तो एक्साइज भी जो चीज़ें लगती हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। दोस्तों नॉन टैक्स रिवेन्यू वो होता है जो भारत सरकार किसी टैक्स से नहीं कमाती, बल्कि अपने बिजनेस वगैरह करके कमाती है। जैसे कि ONGC एक सरकारी कंपनी है, BPCL हो गई, भारत पेट्रोलियम यानी कि एक कंपनी हो गई, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनसे जो भी प्रॉफिट आता है उसको नॉन टैक्स रिवेन्यू में गिना जाता है। और इसकी जो इनकम हुई है वो करीब 6 रुपये मान लीजिए 100 रुपये में यहाँ से होती है। ऐसे ही भारत सरकार की कुछ इनकम इन्वेस्टमेंट से भी होती है। भारत सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है
उससे कुछ इनकम होती है, कुछ पेनाल्टीज़ लगाती है भारत सरकार। इसके अलावा कुछ पैसा भारत सरकार डिस इन्वेस्टमेंट से भी करके कमा लेती है, मतलब कि भारत सरकार ने कुछ कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो उस इन्वेस्टमेंट को वो बेच देते हैं, जिससे कुछ अर्निंग होती है उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वहाँ से भी भारत सरकार की अर्निंग होती है। इसके अलावा कुछ अर्निंग और भी होती है, जैसे कि कुछ फॉरेन से पैसा लगा दिया जाता है, जिसको आपने FDI सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि विदेश की कोई भी एंटिटी भारत के अंदर डायरेक्ट भारत की इकोनॉमी में पैसा लगा देती है, वो उससे भारत के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हैं, डेवलपमेंट अच्छा होता है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। और उसके बाद एक और तरीका होता है पैसे आने का, वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें बाहर से पैसा आता है और वो इंडिया की किसी कंपनी में लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर बात करें 2022-23 की तो ये समझ लीजिए कि करीब $71 बिलियन इन्वेस्टमेंट इस तरह से आई हुई है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा हिसाब इनकम का, और इसी की जगह अब हम बात करते हैं कि भारत के पास एक्सपेंस किस तरह के हैं। तो भारत में जो एक्सपेंडिचर होता है वो सबसे बड़ा, ऐसा समझ लीजिए कि भारत अगर 100 रुपये खर्च करता है तो उसमें 20 रुपये तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में दे देता है, यानी कि भारत जो लोन लेता है देश के अंदर से और जो देश के बाहर से उसमें जो ब्याज देता है वो करीब 20 रुपये दे देता है। इसके बाद केंद्र सरकार जो राज्यों को पैसा देती है, जो राज्यों को पैसा दिया जाता है वो 18 रुपए का दिया जाता है, उसमें भी जो बड़े बेनिफिशियरी हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। उसमें ये समझ लीजिए कि करीब 28% का शेयर यूपी और बिहार वाले ले लेते हैं, यानी कि 20 रुपए इंटरेस्ट में खर्च कर रही है भारत सरकार, 18 रुपए स्टेट्स को दे रही है पैसा, स्टेट्स में सभी स्टेट आ गए भारत के जितने भी है। इसके बाद भारत सरकार कुछ स्कीम्स चलाती है जो सेंट्रल की स्कीम्स होती हैं और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं। सेंट्रल स्कीम वो होती हैं जो 100% केंद्र सरकार ही चला रही होती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें भारत सरकार अपनी स्कीम चला रही होती है लेकिन पूरी 100% नहीं, उसमें पार्शली योगदान होता है, मतलब कुछ हिस्सा भारत सरकार का होता है कुछ दूसरों का होता है। तो उसमें इस तरह के जो स्कीम्स होती हैं उसमें भारत सरकार 9 रुपये खर्च करती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, और सेंट्रल स्कीम में 17 रुपये खर्च करती है। तो अब इसके बाद जो भारत सरकार जो सबसे बड़ा अमाउंट खर्च करती है वो खर्च करती है डिफेंस सेक्टर में। अगर बात करें डिफेंस सेक्टर में तो वो करीब 8 रुपये खर्च करती है, और 2023 का अगर हम बजट उठाएं तो देखते हैं हम कि 5.94 लाख करोड़ रुपये का हमारा डिफेंस का बजट था। इसके बाद भारत सरकार के पास और भी कुछ खर्चे आते हैं, जैसे कि भारत सरकार पेंशन देती है तो पेंशन में 4 रुपये पेंशन में देने पड़ते हैं। इसके बाद अगर देखें तो भारत सरकार को सब्सिडी भी देनी पड़ती है, सब्सिडी जैसे कि LPG की सब्सिडी हो गई, रेलवे में सब्सिडी देनी पड़ती है तो वो सब्सिडी करीब 7 रुपये की देनी पड़ती है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ भारत सरकार कुछ ट्रांसफ़र्स करती है, डायरेक्ट बेनिफिट देती है, जैसे कि किसानों को किसान सम्मान निधि देती है तो इसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफ़र्स। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो करीब 9 रुपये का खर्चा होता है, और जो दूसरे छोटे छोटे खर्च होते हैं वो करीब 8 रुपये के खर्च होते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार पूरे 100 रुपये का खर्च कर देती है। अब दोस्तों आखिर ये बजट भारत सरकार बनाती क्यों है? दरअसल दोस्तों भारत सरकार यानी कि ये जो बजट बनाती है ये ताकत मिलती है भारत को संविधान से, यानी कि भारत का संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 112 यानी कि 112 जो है उसमें जो बताया गया है वहाँ पर बजट शब्द तो मेंशन नहीं किया गया है, वहाँ पर जो मेंशन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेट बोला गया है। तो उसके तहत भारत सरकार को ये ताकत मिलती है कि वो बजट बनाए। अब जब वो बजट बनाती है तो सबसे पहले भारत सरकार ये देखती है कि वहाँ भारत का खर्चा कितना होने वाला है और भारत की अर्निंग कितनी होगी। फिर ये जब तय हो जाता है फिर उसके बाद उसकी मैचिंग करी जाती है कि क्या जो हमने अनुमान लगाया है ये बिल्कुल सही लगाया है या नहीं लगाया है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये हमारी इनकम किस तरीके से होगी। अगर भारत सरकार को लगता है कि इनकम हमारी कम रहेगी तो भारत सरकार टैक्स में रिवीजन के लिए देखना शुरू कर देती है, यानी कि भारत सरकार टैक्स रिवीजन के बारे में सोचती है, भारत
सरकार टैक्स कलेक्शन के बारे में सोचने लगती है कि और हमें कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों भारत सरकार टैक्सेशन की तरफ देखती है और बजट बनाती है। अब दोस्तों समस्या क्या आती है, भारत सरकार के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है इनकम की अगर देखें तो जो 36 रुपये हम बाहर से उधार ले रहे हैं, यानी कि देश के अंदर से बोरोइंग लें या देश के बाहर से, वो करीब 36 रुपये का बोरोइंग है। यानी कि भारत के पास जो पैसा आ रहा है भारत सरकार के पास वो करीब 36 रुपये उधार का आ रहा है। तो उधार का पैसा जो हमें चुकाना पड़ता है ब्याज उस पर वो करीब 20 रुपये चुकाना पड़ता है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ी भारत सरकार के पास समस्या यही है कि जो वो उसको अर्निंग आ रही है उसमें बड़ा हिस्सा तो उसको ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तो इसको हम किसी भी तरीके से अगर मैनेज कर लें तो ये मान लीजिए कि भारत सरकार अभी विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो हमारा टारगेट है कि भारत सरकार 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, तो ये मान लीजिए कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी अगर हम अपने इंटरेस्ट पोर्शन को कम कर लेते हैं। तो किसी भी तरीके से ये लोन हमारा कम हो जाए तो भारत सरकार बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। धन्यवाद।